आज की वीडियो में मैं नीति आयोग में आप इंटर्नशिप कैसे कर सकते हो और वहाँ पे अलग अलग डोमेन्स में इंटर्नशिप कैसे कर सकते हो ये बताने वाला हूँ, क्योंकि नीति आयोग एक ऐसा गवर्नमेंट का यहाँ पर डिपार्टमेंट है जहाँ पे अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होने वाली है। और अगर आप वो रेज्यूमे में डालोगे अपने, तो जब आप कहीं जॉब लेने जाओगे तो उसकी आपकी मार्केट वैल्यू एक अपने आप में बढ़ जाती है। तो स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, देखते हैं नीति आयोग में इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस किस डोमेन्स में इंटर्नशिप निकल रही है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। आप सभी को यहां स्क्रीन दिख रही होगी और स्क्रीन के ऊपर एक नोटिस आप देख सकते हो नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि 2018 में नोटिस निकला हुआ है। बट इस नोटिस में जो सारी गाइडलाइंस है वो दी हुई है और ये नोटिस के हिसाब से ही अभी तक इंटर्नशिप यहाँ पर प्रोग्राम होता है और लिया जाता है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है कि नीति आयोग में इंटर्नशिप कौन कौन कर सकता है। तो कोई अगर आप में से अंडर ग्रेजुएट में है, ग्रेजुएट हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री कर रहा है, या कोई रिसर्च स्कॉलर है, एनरोल्ड है किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में जो कि इंडिया के अंदर ही है या फिर अब्रॉड में है, तो वो एज अ इंटर्न यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। इंटर्नशिप जो होने वाली है वो आपकी अनपेड बेसिस पे होने वाली है, बट इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि यहाँ पे आपको कोई फायदा नहीं होगा इंटर्नशिप करने का। नीति आयोग जैसे मैंने बताया अपने आप में काफी बड़ा नाम है, तो अगर आप यहाँ पे इंटर्नशिप करते हो आपके एक प्रोफाइल पे नीति आयोग आपने इंटर्न रह चुके हो एक वहाँ पे टैग लगेगा, जिस बेसिस पे आपको अच्छी अच्छी कंपनीज में इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और इवन अभी आप फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करोगे या वहां पे अप्लाई करोगे तो वहां पे एक आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। इसके साथ में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि यंग अकेडमिक टैलेंट को यहाँ पे एसोसिएट करा जाए नीति आयोग के साथ और म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए यहाँ पे चीजें करी जाए, आपको भी सीखने को मिलेगा और यहाँ पे भी इन लोगों को भी फायदा होने वाला है। अब यहाँ पर इंटर्नशिप जो होगी वो किसके हिसाब से होगी, तो वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, 6 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक इंटर्नशिप रह सकती है आप लोगों की। और यहाँ पर अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, आपने यहाँ पर 12th कंप्लीट करके अंडर ग्रेजुएट में कोर्स में एडमिशन लिया है, तो आपका यहाँ पर सेकेंड ईयर कंप्लीट होना कंपलसरी है, 4th सेमेस्टर कंप्लीट होना कंपलसरी है, जिसमें आपके 85% मार्क्स होने जरूरी है, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोई डिग्री कर रहे हो। अगर आपने ग्रेजुएट हो चुके हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट का प्रोग्राम कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, तो आप अगर फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर में आपने 70% स्कोर कराया तो आप अप्लाई यहाँ पे कर पाओगे। इसके साथ में द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल एग्जाम और जस्ट कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, इन्होंने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और अपनी हायर एडमिशन के लिए वेट कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं, कंसीडर हो सकते हैं, बट उसके लिए आपको 70% मार्क्स यहाँ पे लाने जरूरी हो जाते हैं। दे हैव सिक्योर्ड 70% और मोर क्यूमुलेटिव मार्क्स इन ऑल द इयर्स, ठीक है, तो कम से कम 70% मार्क्स तो है ही आपके। और अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में कर रहे हो तो आपको 85% मार्क्स लाने जरूरी है इक्विवेलेंट यहाँ पे 12th में, या फिर आपने सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिया हो उसमें। इसके साथ में पीरियड जैसे मैंने बताया 6 महीने तक भी हो सकता है, कम से कम 6 हफ्ते का होगा और यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, ये वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, आपको आपके यहाँ पर लैपटॉप खुद लेके आना पड़ेगा, बाकी वर्किंग स्पेस, इंटरनेट फैसिलिटी और जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का वो हम देख लेते हैं, वेबसाइट के ऊपर चलते हैं सीधा और देखते हैं अप्लाई आप लोग कैसे कर सकते हो, कौन कौन से डोमेन्स हैं जहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो हम आ चुके हैं नीति आयोग की वेबसाइट पे, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो नीति आयोग की वेबसाइट पे अगर आप देखोगे तो काफी सारी चीजें हैं। अब इंटर्नशिप वाले सेक्शन पे मैं कैसे आया हूं, तो यहाँ पे work@neeti आपको दिख रहा होगा, इस पे इंटर्नशिप पे क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पे पहुंच जाओगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि द ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होती है वो हर महीने 1 से 10 तारीख के बीच में ओपन होती है, यानी 1 से 10 तारीख के बीच में हर महीने आप नीति आयोग में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने पहले नहीं कराया तो कर सकते हो, और अगर आपने ऑलरेडी करा हुआ है आप दोबारा ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे हर महीने अपॉर्चुनिटीज निकलती है, आप सेलेक्ट नहीं होते हो तो आप दोबारा ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर अप्लाई हेयर का ऑप्शन है, स्टेटस का भी ऑप्शन है आपने अप्लाई किया था, और यहाँ पर टेक्निकल इश्यूज अगर कुछ आ रहा है तो वेबसाइट यहाँ पे मेल भी दिया हुआ है, और गाइडलाइंस यहाँ पे मैंने यहाँ से डाउनलोड करी थी, आप डाउनलोड कर सकते हो, बाकी टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हो। अप्लाई हेयर पे हम क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं फॉर्म कैसा आता है यहाँ पे। जब आप लोग अप्लाई हेयर पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऐसा आएगा ऑप्शन जहाँ पे गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस आएगा, हम इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करते हैं तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने पे आपके पास एक ऐसा फॉर्म खुल जाएगा नीति आयोग का, जहाँ पर आपके सामने एक पूरा के पूरा फॉर्म बन के आ जाएगा जैसा एक एडमिशन फॉर्म होता है। और यहाँ पे आपसे पूछेगा आपके फादर का नेम, यहाँ पे आपसे आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, बेसिक डिटेल्स जो होती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th के बाद की, इसके बाद
डिजायर्ड कितने महीने तक आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, उसके बाद प्लेस ऑफ सबमिशन, और अगर आप देखोगे एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्टर है जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर सकते हो। यहाँ पे एग्रीकल्चर में इंटर्नशिप कर सकते हो, डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस में इंटर्नशिप कर सकते हो, इकोनॉमिक्स में इंटर्नशिप कर सकते हो, एजुकेशन में, एनर्जी सेक्टर में, गवर्नेंस में, फॉरेन ट्रेड कॉमर्स में, हेल्थ न्यूट्रिशन वुमेन चिल्ड, इन डेवलपमेंट में, लॉ में, लाइफस्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट में, मास कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया में। तो देखो आप कितने सारे यहाँ पे सेक्टर है, आप कोई भी डिग्री कर रहे हो आपके हिसाब से आप चुन के यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आप कर सकते हो अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हो यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पे इंटर्नशिप करते हो तो आपके मन में ये सवाल होगा कि कॉलेज से आपको यहाँ पर कैसे एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलेगा ताकि आप यहाँ पे जा पाओ। तो अगर आप बोलोगे कि आपकी नीति आयोग में लगी है तो मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पर कॉलेज का जो प्रोफेसर है वो मना करेंगे कि आप एक गवर्नमेंट बड़ी यहाँ पर डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप के रूप में जा रहे हो, इंटर्न के रूप में जा रहे हो, तो वो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे देंगे जिससे आप वहाँ पे आराम से जा पाओगे और अपने कॉलेज की छुट्टी ले पाओगे। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर सकते हो। जब आप ये पूरा के पूरा फॉर्म यहाँ से सबमिट करके प्रीव्यू करके सबमिट करोगे तो आपके यहाँ पे जो है आपके मेल पर और आपके फोन नंबर पर यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। बाकी इसके अलावा आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो एप्लीकेशन ताकि आप इसको बाद में ट्रैक कर पाओ। और एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए जैसे मैंने आपको दिखाया था प्रीवियसली एप्लीकेशन ट्रैक स्टेटस का भी ऑप्शन आ रहा था, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं, वहां से आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर पाओगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रैक योर एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो आप अपने ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना ट्रैक कर पाओगे जब भी आपने अप्लाई किया था तो आप सेलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो। अगर आप सेलेक्ट हुए हो तो वेल एंड गुड है, आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो प्रोसेस। अगर आप नहीं हुए हो तो अगले महीने फिर से ट्राई कर सकते हो। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि नीति आयोग में इंटर्नशिप कैसे लेनी है। सारे डोमेन्स अवेलेबल है, आप बीकॉम कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, कोई भी सेगमेंट में कर रहे हो, कोई भी सेक्टर में कर रहे हो, आपके हिसाब से यहाँ पे आपको फील्ड मिल जाएगी जहां पर आप लेकर उस चीज को रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो, अपने प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो, जो आपको बाकी चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा चीजें। बाकी यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है, यहाँ पे आपको जाना होगा संसद मार्ग पे अगर आपकी इंटर्नशिप लग जाती है। तो आई होप आप चीजें क्लियर होंगी आपको। आपको वीडियो कैसी लगी है आप लाइक करके जरूर से बताना। कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, डेली बेसिस पे कमेंट्स पे मैं रिप्लाई करता हूँ। इसके साथ ही में स्कॉलरशिप्स की एक सीरीज आने वाली है बहुत जल्दी, एनएसबी स्कॉलरशिप्स की काफी सारी स्कीम्स निकल चुकी है। आई कार्ड पे मैं वहाँ पे स्कॉलरशिप ऑलरेडी जो बनाई थी मैंने वो डाल दूंगा। बाकी उसके अलावा बाकी जो उसमें स्कॉलरशिप्स की स्कीम है वो भी मैं उसमें ऐड करता रहूंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को दबा के रखो ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप्स, एडमिशन एडवाइस और करियर की एडवाइस सारी आपको इसी चैनल के ऊपर मिलती रहती है टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।